के यूपी विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा लोग करें, इसको लेकर इटावा जिला प्रशासन ने स्वीप के तहत शहरों से लेकर गांवों में 9 लोगों को अवेयर करने के लिए रैलियों का आयोजन किया है, जिसके चलते इटावा कचहरी परिसर में कई स्कूलों के स्टूडेंट की रैली निकाली गई। इस मौके पर इंडिया न्यूज संवाददाता अमित मिश्रा ने जिलाधिकारी श्रुति सिंह से बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। 2022 के चुनावों को ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, उसको लेकर जिला प्रशासन ने कई सारे प्रोग्रामों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, पीछे एक रैली निकाली जा रही है, ये मतदाता जागरूकता रैली है। मेरे साथ इटावा की जिलाधिकारी श्रुति सिंह है, और मैं जानता हूं कि जो आज की रैली है उसको लेकर किस तरह से मतदाता ज्यादा से ज्यादा वोट करें और किस तरह की स्ट्रेटजी रखी गई ईडीएम। ये स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये आयोजन यहाँ पर किया गया है, और मतदाताओं के लिए जो हमारे इलेक्टोरल रोल का काम चल रहा है, अपडेशन का काम चल रहा है, अभी समरी रिवीजन के जो आवेदन है वो आ चुके हैं, उन पे उनके निराकरण का काम चल रहा है, और ये बच्चों के माध्यम से इसमें पूरे शहर में लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है कि लोग अधिक से अधिक चुनाव में एक तो अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं अगर छूटा है तो, और चुनाव के दिन जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें और निकल के आएं, जिससे वोटर टर्नआउट हमारा इम्प्रूव। जैसे पिछले कई स्वीप प्रोग्रामों में देखा गया है परसेंटेज बढ़ा है, तो किस उम्मीदों को लेकर इस बार और अच्छे प्रोग्राम किए जाए कि इस बार विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा वोट हो सके और लोग अवेयर हों और वोट करें? बिल्कुल, ये लगातार ये प्रयास चल रहे हैं, अभी तक ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे चल रहे हैं, जिला स्तर पर भी आज ये आयोजन किया गया है, और इसके लिए पूरी कार्य योजना बनी हुई है, जिससे कि अब से लेकर चुनाव तक हम सतत इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जिससे लोगों में जागरूकता हो और वो पार्टिसिपेट करें। तो ये इटावा की जिलाधिकारी श्रुति सिंह है, जिनका कहना है कि मतदान लोग ज्यादा से ज्यादा कर सके, उसको लेकर विभिन्न तरह के कार्यक्रम अब लगातार किए जाते रहेंगे, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा वोट कर सके और मतदान के इस पर्व को अच्छे से मनाया जा सके। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया।